हेलो मैं नेम इज़ हनुमान प्रसाद, मैं इसरो में काम कर रहा हूँ। पिछले 1 ईयर से मैं SFW का मेंबर हूँ। बिफोर जॉइनिंग हियर आई वाज एट अ पावर वेट ऑफ अराउंड 68 kgs एंड विद अ वेस्ट ऑफ 40 inches। मेरे लिए ऑफिस में काम करने में बहुत तकलीफ पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द पावर वेट एंड उससे जो भी डी एनर्जी देता है, इवन आफ्टर द टेकिंग द फूड ऑल्सो बॉडी में इतना एनर्जी नहीं रहता था। काम करने के लिए भी एनर्जी बहुत कम रहती है, इसलिए पर्सनली प्रोफेशनली मुझे काफ़ी दिक्कत पड़ रही थी। एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टेइंग इन भोपाल हियर, आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ SFW एंड तुरंत आके मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ पे पहले सारी इक्विपमेंट देख चुके थे, मैंने सारे स्टाफ से मिल चुके थे। सो दे हैव एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ ईच इक्विपमेंट वर्क्स एंड व्हाट आर द एक्सरसाइजेस एंड व्हाट आर द वर्कआउट्स दे आर गोइंग टू डू इन द पीपल हु हैज कम फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तुरंत मैंने ज्वाइन किया है। तो इनिशियली थोड़ा तकलीफ पड़ा बिकॉज बीच पहले से जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे, बॉडी पेन्स होते थे, ये सारे होते थे, धीरे धीरे एडजस्ट हो गया था। देन आई वॉज वेरी मच कम्फर्टेबल विद इन द फर्स्ट 2 months। आई हैव रिड्यूस माई वेट टू अराउंड 2.5 kgs। दैट वॉज द एक्सरसाइज दैट वॉज सजेस्टेड टू मी, दैट वॉज द वर्कआउट्स विच गेव टू मी। यहाँ पे जो स्टाफ है, केयूर भाई, माधवी मैडम है, दिग्विजय भाई, नील भाई, राय भाई, सब लोग मेरे को बहुत हेल्प किए थे। कभी भी कोई भी वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होता है तो फिर वो लोग साथ में रहते थे, एक्सप्लेन कर लेते थे, काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाते थे कैसे करना है। एट बी विद अपार्ट फ्रॉम द वर्कआउट्स ऑल्सो वी यूज़ टू डू द आउटडोर वर्कआउट्स, बाहर भी जाते थे, रोडा गार्डन में भी जाते थे एंड वॉकिंग भी करते थे, जॉगिंग भी होते थे आउटसाइड में। इस तरीके से सबका एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा था, एंड रिलेशंस भी बहुत अच्छा रखते थे। कोई भी इश्यूज होते हैं कभी भी कोई भी टाइम में फ़ोन कर सकते थे, बात कर सकते थे, उसका एडवाइस ले सकते थे। यहाँ पे सारी फेस्टिवल्स भी मनाते थे, गणेश चतुर्थी भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे एंड नवरात्रि भी बहुत अच्छे तरीके से डेली पूजा होते थे, प्रार्थना होते थे, सब कुछ। तो एनवायरनमेंट ऑलवेज यू फील वेरी मच कम्फर्टेबल, स्पेशली वेन यू सी इन द सैटरडेज विच इज़ द हॉलीडेज इन वर्कआउट। इवन सैटरडेज संडेज यूज टू सी नियरली अबाउट 50 to 60 पीपल यूज टू अटेंड फॉर द वर्कआउट्स। दैट इज द इंस्पिरेशन विच आई वी हैव गॉट इट फ्रॉम द SFW। सब लोग हमें बहुत साथ रहते थे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू थिंग इज वी हैव लाइब्रेरी हियर। कोई जिम पे भी, बाकी कहीं पे भी मैंने आज तक मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ पे पहली बार जिम भी चालू, जिम के साथ लाइब्रेरी भी चालू की। लाइब्रेरी से देयर आर सो मच ऑफ गुड बुक्स, सो बॉडी लैंग्वेज बुक, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू, विच आर मोर एक्सप्रेशन रीड एंड मोर इंटेलेक्चुअल, विच वे वेयर वेन यू डू द वर्कआउट्स एंड यू फील समवॉट कम्फर्टेबल एंड यू कैन गो थ्रू द बुक्स, रीड इट एंड टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम द पीपल। दिस इज द वे SFW इज वर्किंग आउट। हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है, स्टाफ के सपोर्ट भी मिलता है, वर्कआउट्स के डिटेल स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑल्सो दे गिव द वर्कआउट्स एंड सजेशंस विच विल हेल्प योर हेल्थ एंड विच विल हेल्प योर बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर जॉइनिंग हियर बिकॉज ऑफ द ओवर वेट आई यूज टू टेक हाइपरटेंशन मेडिसिन एंड कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। नाउ आई एम टोटल फ्री ऑफ ऑल द मेडिसिन, नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी मेडिसिन एट ऑल। इट इज विच वेयर दीज मेडिसिन कास्ट अराउंड नियरली 700 to 800 रुपीज़ पर मंथ। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट 50% ऑफ दोज मनी विच यू हैव स्पेंट ऑन द मेडिसिन, यदि 50% इफ यू कैन स्पेंड इट जिम, देन यू आर फ्री ऑफ मेडिसिन विच विल इम्प्रूव यूर लिवर फंक्शनिंग, विच विल यू बी फ्री फॉर द लाइफ टाइम बिकॉज दीज मेडिसिन यू आर सपोज टू यूज फॉर द लाइफ टाइम। नाउ यूर वेट इज रिड्यूस, वे द वर्कआउट्स आर इंक्रीज, यू आर फ्री फ्रॉम दीज मेडिसिन विच इज गुड फॉर हेल्थ एंड विच फॉर गुड फॉर एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। आई सजेस्ट यू शुड जॉइन इन SFW। जय SFW।